फ्लैट पैनल डिस्प्लेस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ, 3D का नाम सबसे पहले है। स्वागत है आपका VGE Academy में और मैं हूँ अंकुर भसीन। आइए बात करते हैं 3D LED की टेक्नोलॉजी के वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोडक्ट लाइन जो आधारित है USPs पे, जहाँ पे हम बात करेंगे फीचर बेनिफिट एनालिसिस की और हाँ, कॉम्पिटिशन अपडेट की भी। 3D LED की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आइए जानते हैं कि 2D और 3D पिक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। 2D इमेज कैसी होती है। मैं हूं आपके सामने एक 2D इमेज जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही शामिल है, पर जब हम 3D इमेज की बात करते हैं तो हाँ, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी शामिल है। थ्री डी टेक्नोलॉजी का आधार है हमारा दिमाग और हमारी आंखें। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु की दो इमेज बन जाती हैं, एक जो आपकी दाई आंख बनाती है, दूसरी जो आपकी बाई आंख बनाती है। फिर ये दोनों इमेज आपस में मर्ज होती है और तीसरी इमेज आपके मस्तिष्क में बनती है, जिसे हम 3D इमेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी इसी पर आधारित है, जहाँ पे हर वस्तु की दो इमेज बना दी जाती है, जहाँ पे एक इमेज आपकी बाई आंख के लिए और दूसरी इमेज आपकी दाई आंख के लिए बनाई जाती है। दोनों ही इमेज को आपस में ओवरलैप किया जाता है और फाइनली ये इमेज मर्ज हो जाती है, जिसके साथ एक 3D इमेज का जन्म होता है, जिसे परसीव करने के लिए आपको लेंस का माध्यम दिया गया है। 3D टेक्नोलॉजी का अनुभव करने के लिए आपके पास दो माध्यम है, एक जिसे हम एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी कहते हैं और दूसरा है आपका फ्लिकर फ्री फिल्म रिटार्डर पैटर्न टेक्नोलॉजी। आइए सबसे पहले बात करते हैं शटर टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ये शटर्स पर काम करता है। एक है आपका लेफ्ट शटर और दूसरा है आपका राइट शटर। लेफ्ट इमेज को देखने के लिए लेफ्ट शटर को खोल दिया जाता है और राइट शटर बंद रहता है, और राइट इमेज को देखने के लिए लेफ्ट शटर को बंद कर दिया जाता है और राइट शटर खोल दिया जाता है, और फाइनली दोनों ही शटर्स को ओपन कर दिया जाता है और पिक्चर्स को मर्ज कर दिया जाता है और एक 3D इमेज का अनुभव आपके सामने। आइए बात करते हैं अब दूसरी टेक्नोलॉजी जो है फ्लिकर फ्री, जो फिल्म पैटर्न रिटार्डर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सर्कुलर पोलराइजेशन पे काम करती है, जहाँ पे लेफ्ट आई को लेफ्ट इमेजेस की तरफ और राइट आई को राइट इमेजेस की तरफ केंद्रित कर दिया जाता है और आपकी इमेज बन जाती है फ्लिकर फ्री। एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी और फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के बारे में, एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी का आधार है उसके शटर ग्लासेस जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी में लेफ्ट आई केंद्रित है लेफ्ट इमेजेस के लिए और राइट आई केंद्रित है राइट इमेजेस के लिए। लेफ्ट आई के लिए राइट शटर को बंद कर दिया जाता है और राइट आई के लिए लेफ्ट शटर को बंद कर, जिसकी वजह से फ्लिकर प्रोड्यूस होता है स्क्रीन पर। 3D LED की टेक्नोलॉजी को जब आप एक्टिव शटर टेक्नोलॉजी से अनुभव करते हैं और ज्यादा समय तक देखते हैं तो कुछ लोगों को हेडेक और डिजीनेस भी हो जाती है। बात करें बेनिफिट्स ऑफ फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी की, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी का आधार है उसके फ्लिकर फ्री ग्लासेस, जहाँ पे लेफ्ट और राइट के लेंसेज को बंद नहीं किया जाता और ये टेक्नोलॉजी है फ्लिकर फ्री, ना तो आपको हेडेक है ना कोई डिजीनेस, और आप लंबे समय तक 3D LED की टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर सकते। आइए देखते हैं कि 3D पिक्चर का